बेसिक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो गया है, उसी तरह सार्क लीडर लोग एजुकेशन के लिए खतरा हो गया। दोस्तों बिहार के पप्पू यादव जो कि बिहार के मेन लीडर रह चुके हैं, साथ ही साथ यहां पर बात करेंगे छात्रों के हक में, लंबित रिजल्ट को लेकर, लंबित परीक्षाओं को लेकर, एडमिशन को लेकर यहां पर बात चल रही है। दोस्तों पप्पू यादव ने छात्रों के हित में क्या बोला, चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और चैनल पर नए यूजर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आने वाली इसी तरह से यूजफुल नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मुझे लगा 17 दिन काफी लंबा होगा है, बैठ जाइए। विश्व एकेडमिक से मतलब नहीं दुनिया में, जो गवर्नमेंट एक बार न सोची कभी कि हम दुनिया में बिहार को कहां ले जाना चाहिए, 80,00,000 करोड़ रुपया का माफ किया एजुकेशन वर्ल्ड का, और सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमी हम बाहर देते हैं, हमारी इकोनॉमी बाहर जाती है। हम यहाँ धरना पर बैठ गए, देखिए ये जो टेम्पररी पीसी आया है आपको क्यों ऑपरेट करेगा, वो गंगा का क्यों छुएगा, उसको लग रहा है कि इतना कुकर्म हो चुका है हम भी मरेंगे। आप उससे उम्मीद कैसे करते हैं कि आप वो रास्ते देंगे, आप हमको बताइए। बकरी चुराने वाला और बैगन चुराने वाला कोई ये दरोगा 3 घंटा में 2 घंटा में अरेस्ट कर लेता है, और साला पूरी जिंदगी चुराने वाला आदमी कभी अरेस्ट नहीं होता। हो गया है कि मोदी जी सीआरपीसी का भी ज्ञान लगता है नहीं, दोनों आदमी को हो गया, कानून भी वही जाने, अगली दिन में आप लड़ते कब, आरबीआई की लड़ाई हुई पप्पू यादव लाठी खाया आप आए सबको, एसटीटी की लड़ाई होती है वही बच्चे होंगे, बीटीटी की लड़ाई होगी वही बच्चे लड़ेंगे चले जाएंगे, सबके में नाचने हम पहुंच जाते हैं और फिर वो लोग गायब हो जाते हैं। अग्निवीर में आप कितने दिन आए, वो तो 1,13,000 वो यूथ सड़कों पर था और 7,000 जिसको कंप्लीट एयरफोर्स का एग्जामिनेशन के बाद हाथ में रिजल्ट मिल गया, गांव में जाकर के वो बच्चा एयरफोर्स के अपने माँ बाप के साथ भोज कर लिया, रिश्तेदारों के साथ खुशी मना ली, और 1,13,000 बच्चे फिजिकल और मेडिकल कर लिया, एग्जाम 2 साल से बाकी था, और 24 से 28 के बीच का बच्चा जिसको लगा कि अब मैं मर गया तो इसके बाद ही पहले ही कुछ होगा, 24 से 28 में जो बच्चे सैनिक बनते थे आर्मी में जाते थे उसकी लाइफ चली गई, वो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया, उसने किसी पॉलिटिशियन का किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। फर्स्ट दिन जब कैबिनेट हुआ तो हमने ट्वीट की और दूसरे दिन हम सड़कों पर उतरे, तीसरे दिन स्टूडेंट ये यूथ उतरे जिसकी लाइफ खतरे में पड़ी था। इस हिंदुस्तान के किसान आंदोलन हुआ कभी बिहार के एक किसान उतरे, 900 बच्चे मर गए, 900 किसान मर गए, एक भी किसान नहीं उतरा। जब कभी कोई क्रांति होती है तो बिहार की भूमिका सुनो नगन होता है, और बिहार के नेता कहते हैं कि हम वैशाली अजीपी महात्मा गांधी की धरती, सतवागी राजा हरिशम के धरती पर झूठ की खेती,
दोस्तों पप्पू यादव की जो बात है इसको आप लोग थोड़ा सा और गौर से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ और इसके बारे में क्या इन्होंने बोला। ध्यान से आप लोग लगे रहिएगा वीडियो के साथ, बने रहिएगा वीडियो के साथ। माल और दाल इसका पूर्ण ज्ञान है, कहाँ से माल आएगा, सुन रहे थे सर हम लोग शॉप में, इसीलिए हम सबको इस इशू पर गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। सुनिए, एक ऐसी चर्चा जो चर्चा पंजाब में, अब जैसे एक बात बताइए, श्रीलंका में वहां के लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के घर जला और राष्ट्रपति को कहा, तो उम्र की हम लोग नामर सर 113 रुपया उसका कर्ज, 92 मेरा कर्ज, डॉलर का 80। इस मौसम से मोदी जी या रामदेव और रविशंकर कहा था कि मोदी जी आते ही डॉलर का 400, मोदी जी आते ही डॉलर का 80 क्रॉस कर गया। पता है डॉलर क्या होता, जानते हैं? आपकी लाइफ कमा कर रहा है, बस मेरा एक ही काम बचा है, हर दिन हर घर का आंसू पोंछना और उसकी जिंदगी की शुरुआत करना। ये तो आप 17 दिन से बैठे थे, मुझे हर्ट किया, इतने तेजस्वी और जनवरी और प्रतिभावान सभी साथी जो अलग अलग विचारधारा से यहाँ होंगे और बैठे होंगे, मैंने सिस्टम पर कहा है, पॉलिटिशियन पर कहा है, बुरा नहीं मानिएगा, इसमें बहुत सारे लोग अलग अलग दल के भी होंगे, उनको तकलीफ ना हो, जो सच्चाई है मेरी वो कही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। मैं आपकी बात शिक्षा मंत्री से भी, और मैं आग्रह ही कर सकता हूँ उसे, डरो अब दोस्तों शिक्षा मंत्री इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं ये देखना है, क्योंकि शिक्षा मंत्री पर यहाँ पर बातचीत हुई है कि पप्पू यादव ने साफ स्पष्ट रूप में कहा है कि शिक्षा मंत्री से हम बात करेंगे और बोलेंगे कि ये जो लंबित परीक्षाएं हैं, रिजल्ट है, इसे जल्द से जल्द जारी किया जाए और आप लोग अब इंतज़ार करिए कि शिक्षा मंत्री का अगला बयान क्या आता है सामने। तो दोस्तों अब तक के लिए वीडियो को यहीं से समाप्त करेंगे, ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू जरा तो सब्सक्राइब करिएगा और छात्रों को सपोर्ट करिएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।